शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, जीवन में उजियारा है। शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन कर दिया है। बहनों, हम आज दोहराएंगे इस हफ्ते के सीखे हुए सारे अक्षर और मात्राएं। च, य, ळ, ग, थ, औ की मात्रा, भ और आ। एक बार फिर से देखें। च, य, ळ, ग, थ, औ की मात्रा, भ और आ। चम्मच याद है कि भूल गई? ये देखो चम्मच, इसके हैंडल को छोटा किया, साथ में रखा एक गिलास जिसे ढक दिया। ये मिलता है ना बिल्कुल अक्षर च से। च लिखना सीखते हैं पेंसिल से। पत तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? बस इसको यूं अंदर किया, बन गया य। प, प का पेट यूं अंदर किया, बन गया य। लिखना सीखते हैं। अरे वाह, ये तो पंडित जी हैं। अरे इनके गले का गमछा उड़ के क्या बन गया? बिल्कुल अक्षर ग जैसा लगता है ना। ग से गमछा, ग से गला। अब ग लिखना सीखे पेंसिल से। तो बहुत आसान है, ड के नीचे लगाई एक बिंदी, बन गया ड। अब इसे लिखना सीखे पेंसिल से। लकड़ी से गोबर गैस भली, लकड़ी से गोबर गैस भली। लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर। लड़की की शादी जल्दी नहीं। देखो, सफाई अपनी हो या अपने वातावरण की, दोनों ही बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, अपने को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं। हाँ, लेकिन नहाते तो हम दिन में एक ही बार है ना। अब देखो, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, खेतों में जाना, या छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो गंदे हो जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए? तो बहन जी, इसके लिए हम हाथ धोवे। क्यों, हाथ क्यों धोते हो? हाथ सफा करने के लिए बहन जी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि हमारे हाथ तो साफ ही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मालूम है क्यों? कि छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, वो हमारी उंगलियों के पोरों में छुपे होते हैं, और इन्ही कीटाणुओं से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। इन कीटाणुओं को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर हम साबुन से हाथ धोवे। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर कहीं साबुन ना मिले तो राख से धो लेने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि राख भी ना मिले, तब क्या करना चाहिए? अजी बहन जी, राख ना मिले तो क्या हुआ? सूखी मट्टी तो साफ हर जगह मिल जावे,
उसी से हाथ धो लेने चाहिए और बासे बर्तन भी मत जावे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा, अब इन सब बातों के साथ एक बात और है जिसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ? कोई भी फल या सब्जी इस्तेमाल करनी हो तो उसे पहले अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अब ये सब बातें याद रहेंगी तुम सबको? हाँ, बिल्कुल याद रहेंगी बहन जी। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे। अक्षर थ याद है ना? एक छोटी थाली, उसके नीचे बड़ी थाली, एक डोई सीधी खड़ी हुई, दूसरी डोई उस पर लेटी हुई, बन गया ना अक्षर थ। थाली शब्द अक्षर थ से ही तो शुरू होता है। अब इसे लिखना सीखे पेंसिल से। ये है कौवे की चोंच। अब इस खुली हुई चोंच के नीचे हम अगर रख दें अ का डंडा तो बन जाती है औ की मात्रा। औ की मात्रा, कौवे की खुली चोंच, आ के डंडे पर औ की मात्रा। अब इसे लिखना सीखें। ये तो याद ही होगा कि डाली से लटके हुए दो आमों को अगर यूं घुमा दें तो बन जाता है अक्षर आ, और आम भी तो आ से ही शुरू होता है। लिखना सिखाएगी हमारी पेंसिल। अक्षर तो पहचानती हो ना? इसके ऊपर की लकीर को यूं मोड़ दिया तो बन गया भ। माँ, माँ के ऊपर की लकीर को यूं मोड़ दिया, बन गया भ। भारत की आबादी न बढ़ने दो। भारत की आबादी न बढ़ने दो, थोड़ी चाय दो, थोड़ी चाय दो। तुम लोग आज सोच रहे होगे कि बहन जी ने आज अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं शुरू की, मगर मैं आज तुम लोगों को भूगोल नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहती हूँ। आज टीवी पे खेलों का मुकाबला देखा था तुम लोगों ने? हाँ बहन जी। तो साथ साथ ये भी देखा होगा कि उसमें लड़कियां भी भाग ले रही थी। हाँ बहन जी। मैं विशेषकर लड़कियों से ये बात इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोग ये ना समझना कि तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चक्की है। जीवन के किसी भी मैदान में तुम आगे बढ़ सकती हो, बस हिम्मत करने की देर है। और दूसरी बात ये कि जब बच्चे साधन ना होने का रोना रोते हैं ना, उन्हें मैं प्रेम की मिसाल देना चाहती हूँ। देखो वो भी इसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन पूरे एशिया में कितना नाम रोशन किया उसने, अपना भी और अपने देश का भी। इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता है। आज तुम सब वादा करो कि तुम सब प्रेम बनकर दिखाओगे। आज तुम सबकी छुट्टी, लेकिन यहाँ से घर कोई नहीं जाएगा, यहाँ से सीधे खेल के मैदान में जाएंगे। तुम सबको अपना खेलों में नाम रोशन करना है ना, तो इसका शुभारंभ आज से ही। चलो चलें खेल के मैदान में। जा आका डंडा या जाय जा आ का डंडा चंद्र बिंदु दा चांद च आ का डंडा द रा चादर
च अदमा मा च चम्मच प आ का डंडा य आ का डंडा पाया आधा प या आ का डंडा जा प्याज आधा प या आ का डंडा ला आ का डंडा प्याला सा पेड़ का सड़क ल ला क आ का डंडा लड़का ल ला क बड़ी की मात्रा लड़की ग आ का डंडा या गाय ग मा ल आ का डंडा गमला ग आ का डंडा ज रा गाजर ग बिंदु द बड़ी की मात्रा गंदी न थ नथ थ न थन थ क न थकन थ ए ल आ का डंडा थैला थ आ का डंडा ल बड़ी की मात्रा थाली द औ की मात्रा रा दौड़ क औ की मात्रा व आ का डंडा कौवा च औ की मात्रा क बड़ी की मात्रा चौकी च औ की मात्रा प आ का डंडा ल चौपाल च औ की मात्रा र आ का डंडा ह आ का डंडा चौराहा आ ग आग आ म आम आ चंद्र बिंदु ख आग आ ब आ का डंडा द बड़ी की मात्रा आबादी आ ग आग ब आ का डंडा ड भाड़ ब ए की मात्रा ड भेड़ भ आ का डंडा र त भारत भ आ का डंडा ग न आ का डंडा भागना शिक्षा दी चला के।